द फर्स्ट चैप्टर और इन द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड अबाउट द फोर्सेस ऑन अ मूविंग चार्ज. देन उसके बाद काइनेमेटिक्स देखी उसकी, व्हाट इज द मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज. आज देखेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर. अच्छा, इसमें भी दो सब केसेस बन सकते हैं. किसी को पता है क्या सब केसेस बनेंगे इसमें? गेस करेगा कोई? व्हाट शुड बी द टू सब केसेस? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. उठ के बैठना है ना, ज्यादा पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आज मैं, अगर पढ़ा पाया तो. मतलब ऐसा नहीं है जबरदस्ती नहीं करेंगे, रिवीजन कर ले थोड़ा सा तो तुम लोग भी याद कर लोगे लास्ट क्लास के सेशन में. अच्छा, रिवीजन कैसा रहता है? हेल्पफुल रहता है या स्किप करना सही रहता है? मतलब ऐसा तो टाइम वेस्ट होता है. हेल्पफुल रहता है. ठीक है ठीक है ठीक है, चलो रिवीजन करते हैं. तो थोड़ा सा पहले से कर लेते हैं रिवीजन. ठीक है, लेट्स ट्राई टू रिवाइज सर्टेन थिंग. रुचि नहीं आती आजकल यार, रुचि किसके साथ रहती थी पता है कुछ? एनीवन नोस रुचि? उसने ज्वाइन नहीं करना, नहीं जाना बस. स्कूल की है वो सर, वो फैकल्टी से सर्विस के डेली बोर्ड से. ये तो मेरे को ही पता, क्योंकि उसका नाम रुचि कालका जी थी, क्या था. चलो सर रिवीजन करते हैं. अच्छा अच्छा ठीक है. सो व्हाट इज द रिवीजन? लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन वर्क. अच्छा, जो लोग अमित सर की क्लास के हैं, आई वांट देम टू आल्सो पे अ लिटिल अटेंशन हियर, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू लेट मी नो. तो लास्ट क्लास में अपन जब मोशन पढ़ रहे थे, सबसे पहले जो चीज पढ़ी थी वो क्या थी? रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन डन बाय कौन करता है? चार्ज. ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैं पूरा लिख रहा हूँ बिकॉज ये सब एजम्पशन बच्चे भूल जाते हैं कि वो जो भी अपन ने प्रूफ किया था वो किसके लिए था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए थी कहानी. ठीक है, तो क्या होती है इसकी वैल्यू? किसको याद है? बोलो बोलो बोलो. R कितना आ रहा था? R is equals to mv by qv. mv by q into p. qv. ठीक है. At the same time एक और बताया था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 2km by फॉर्म में qb. है ना? याद है सबको फॉर्मूले? Where v is a velocity. Yes. I'm not writing anything, but you have to keep in. Piyush आया क्या? नहीं आया. गोला मारा है तुम लोगों ने? Yes sir. आया है. ठीक है भाई. ठीक है. So this is what we have done. अच्छा, apart from this, एक और formula मैंने बोला था याद रखना, what was that? Time period है ना? The time period of the motion. Time period of the motion पढ़ा था, वो कितना होता है? 2πm/qb. कितना होता है? 2πm/qb. है ना? बढ़िया. तो मतलब तुम लोग को इतनी चीजें याद, इससे ज्यादा तो और कुछ पढ़ा नहीं था. हेलकल वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो वी हैव डन एनीथिंग एल्स. दीस टू थ्री थिंग्स ओनली. ठीक है, शैल वी मूव अहेड देन? इधर तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था किसी को? ठीक है, ये बेसिक से सिंपल सादे से रिवीजन है. अब आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स मूव अहेड. सो अब देखो आज का क्या रहेगा प्लान. कुछ एक चीज रह गई थी, पहले कुछ एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं लास्ट मोशन वाले एनालिसिस की, उसके बाद वी विल बी मूविंग अहेड फॉर द न्यू थिंग्स. अब ये प्योर नीट की चीज है जो अभी करा रहा हूँ ना, दिस इज एंटायरली नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम. बोर्ड में उतना नहीं पूछता है ये एक्चुअली एक टाइप का क्वेश्चन है. सो आई एम बी जस्ट इंडल्जिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ केस. तो मैं तुमको क्वेश्चंस एज अ केस के फॉर्म में करा दूं, क्वेश्चंस ओपन करेंगे. तो क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप से क्वेश्चन आता है. टाइम स्पेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोलते हैं इसको? टाइम स्पेंट बाय अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब समझे कहने का क्या? इस टाइप से क्वेश्चन आता है. देखो अर्शी आई है आज, गोला मारी है. कौन सा चैप्टर चल रहा है रानी? मैग्नेटिज्म चल रहा है यार. अर्शी नहीं आई, गोला मार दिया आज. चलो देखो इधर. अब क्या होता है, मान लो लेट अस से कि कोई एक चार्ज है अपने पास, कोई भी एक चार्ज ले लूं मैं. लेट्स से एक नेगेटिव चार्ज है. कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. ये मान लो इस फील्ड में एंटर कर रहा है, इस पे फोर्स बताओ किधर लगेगा? What will be the direction of the force? Angle, पहले तो angle बताओ. तुम्हें पता है force किससे बताते हैं? Force के लिए क्या बताते हैं? Magnetic force के इधर ही लिख देता हूँ मैं. Magnetic force का formula क्या होता है? Magnetic force on a moving charge कितना होता है?
वी क्रॉस बी बढ़िया यार जी यार. सो एफ इज नथिंग बट क्यू वी क्रॉस बी, है ना? बताइए सबको. चलो, अच्छा सो इस पे टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है. थोड़ी और चीजें इसमें बता देता हूँ मैं तुमको. लेटेस्ट से ये जो एंटर कर रहा है, मैं इसका तुम्हें ऐसा एंगल दे देता हूँ बना के. लेटेस्ट से कि ये जिस एंगल पे एंटर कर रहा है, दैट एंगल इज नथिंग बट द, लेट्स से कितना है, थीटा. कितना है? थीटा एंगल से एंटर कर रहा है. बताओ. ठीक है ओके बताओ, फोर्स का डायरेक्शन बताओ किधर होगा. बता दो भाइयों. देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम्हें ये दिया है यार. पीयूष बता जल्दी से भाई क्या कर रहा है. सी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन. ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. मैग्नेटिक फील्ड किधर है बता. हाँ, व्हाट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन. पहले तो ये बताओ, सर्कुलर मोशन फोर्स करेगा का या डायरेक्शन हेलिकल अपवर्ड आएगा। मोशन. ठीक है ठीक है, अपवर्ड कह रही है जिया. बाकी लोग का क्या है, हर्ष, दिव्या, चेतना, इरफा, इफ्रा, सॉरी, व्हाट्स योर ओपिनियन. बता पीयूष, खुशबू, खुशी, कैसा रहेगा मोशन. डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड कौन बोल रहा है? हाँ सुधी, एक्सप्लेन व्हाई डाउनवर्ड. बोलो जल्दी बोलो, पढ़ना है भाई बहुत. क्यों डाउनवर्ड? महक नहीं हूं नाजिया, समझ में आ रहा है? तान्या, सलोनी, रुबिया, श्वेता, व्हाई डाउनवर्ड. बोलो बोलो बोलो, एनी एनी गेस व्हाई वी डाउनवर्ड. क्रॉस वी तो डाउनवर्ड ही आएगा ना, मतलब थंब रूल से। ये तो बताओ उसको जल्दी, एक्सप्लेन करो. अरे यार जिया, बताओ उसको डाउनवर्ड क्यों नहीं. सर जहाँ पे वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब हम अपने फिंगर्स को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा थंब है वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। हाँ ऐसे ऐसे बोल रही हो तुम तो. ऐसे कल करेंगे ना, यस सर। ऐसे बोल रही है स्तुति. ये तो ये कह रही है फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा. तेरा क्या कहना है स्तुति? कम बताओ मत। ऑन स्तुति, व्हाट्स योर आंसर. विल इट रिमेन सेम और यू वांट टू चेंज? जल्दी आंसर करो गाइस, करो, डिस्कशन कर रहे हैं. तो डाउनवर्ड ही आ रहा है। कैसे कैसे? देख राइट हैंड से तो अपवर्ड आ रहा है. ये देख लगाया मैंने राइट हैंड. ये देख, सब लोग ध्यान से देखो यार, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है एंड यू आर जस्ट कर्लिंग योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन. ऐसे कर्ल करोगे फिंगर्स अपनी, तो अपवर्ड आ रहा है. बोलो जल्दी, कम ऑन. एक्चुअली में डाउनवर्ड ही होगा. किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन? डाउनवर्ड कोई बताएगा क्यों? वो लगा के देख लेंगे ना, राइट हैंड वाला फिर पर उसका इलेक्ट्रॉन है कॉल। वो. हाँ वो नेगेटिव चार्ज है वो. पार्क ने सही बोला, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. मनोज, वेरी वेल. वो एक नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए उस पे राइट हैंड रूल से तो फोर्स ऊपर ही आएगा जिया. बट वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने बोला था उसको जस्ट ऑपोजिट कर देना. तो मतलब इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड. डाउनवर्ड लगेगा मतलब कहीं ना कहीं इसका मोशन कैसा होने वाला है. कहीं ना कहीं इसका मोशन कैसा होने वाला है, मैं बनाता हूँ, देखना ध्यान से. कुछ ऐसा मोशन होने वाला है, ठीक है? कुछ ऐसा मोशन होने वाला है. देखो इधर, ठीक है, आया समझ में कैसा मोशन होगा? कुछ ऐसा मोशन. बट अभी दिक्कत क्या है, ध्यान से समझना. ये मैग्नेटिक फील्ड में इतना अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया. मान लो पहले ही क्या हो गया, बाहर निकल गया. समझ में आई बात? मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट टाइम जो ली थी वो काफी ज्यादा थी. इट वॉज एन इनफाइनाइट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल जो एंटर किया था वो पूरा सर्कल नहीं बना पाया. वो पूरा सर्कल बनाने से पहले ही क्या हो गया, बाहर निकल गया. आई बात समझ में? तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे. दे विल आस्क यू दैट, ओके व्हाट विल बी द टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड. कितना उसको टाइम लगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी देर रहा वो. क्लियर है बात सबको? अब देखो अप्रोच क्या रहेगी. यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? क्या कर रहे हैं, समझ में आया ये चीज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? बोलो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, एवरीवन? यस सर। बोला करो यार, सोया नहीं करो प्लीज, ठीक है? तो अब तुम्हें इसमें टाइम निकालना है. देखो कैसे निकालते हैं, पहले तो लॉजिक समझो.
तुम्हें पूरे सर्कल अगर वो पूरा करता है तो तुम्हें उसका टाइम पता है ना, यू नो द टाइम पीरियड, तुम्हें टाइम पीरियड पता है, तुम्हें पता है इफ इट वॉज, इफ इट, ऐसे लिखते हैं रुको, इफ इट इज अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन तब कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन तब कितना लगेगा टाइम, टू पाई एफ यार क्यों अपॉन क्यू बी, बट अभी पूरा इतना तो पूरा नहीं घूम रहा है, अभी ये कितना घूम रहा है खाली, अपन अगर वो एंगल निकाल ले तो यूनिटरी मेथड से वी कैन सॉल्व इट। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस सेंटर यहाँ कहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं चलेगा, लेट से कि इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है। देखो जिसको नहीं समझ में आएगा बोलना प्लीज, जैसे सोना नहीं यार। ठीक है ये मान लो ये इसका कहीं सेंटर है। अच्छा मैंने ये ऐसा क्यों बनाया है परपेंडिकुलर, वो समझना, जानबूझ के तुम लोग समझ नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखना ध्यान से, कुछ हैपनिंग है। अब मैंने जानबूझ के परपेंडिकुलर क्यों बनाया, क्योंकि ये मुझे पता है जो भी मोशन होगा उस मोशन में टेंजेंशियली एंटर करेगा, और टेंजेंशियली एंटर करेगा और निकलेगा भी कैसा, टेंजेंशियली निकलेगा। सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, कोई भी वेलोसिटी उसके पास कैसी है, हर पॉइंट पे उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यस और नो, द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, तो वो टेंजेंशियली एंटर करेगा और टेंजेंशियली निकलेगा। तो मतलब ये जो अगर मेरा रेडियस होगा तो ये टेंजेंट की क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, डोंट स्लीप, निकल गया भाई अकल, निकल गया तुम्हारा दशहरा, उठ जाओ। ये मान लो ओ है ठीक है, एंड यू नो द रेडियस इज लेट्स से आर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, इफ आई आस्क यू, इसने कितना एंगल अंदर घुमा है, यूजुअल केस में जब ये तुम टर्म देखते हो तो तुम्हें पता है ये अंदर कितना एंगल घूम रहा होता है, पूरा 2 पाई घूमता है, द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट ऑफ 2 पाई एंगल। सो इफ आई विल बी एबल टू फाइंड दिस एंगल कि ये एंगल कितना है, तो मेरा काम बन जाएगा। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना है, सोचो सोचो, मैं डायग्राम ऐसा बड़ा करके रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, एक्सप्लेन मी व्हाई, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंगल, सर 90 डिग्री। कैसे बेटा 90, कैसे 90 तब होता जुबिया, नहीं 90 तब होता, 90 हमें नहीं पता ना, अगर ये 1/4 है, मान लो अगर ये रिंग ये जो अपन ने बनाई है ये अगर 1/4 ऑफ द सर्किल है, सर्किल के सर्कमफेरेंस की 1/4 है तो 90 होगा, अगर ये आधा होगा तो पाई 180 डिग्री हो जाएगा, तब इधर कहीं आ जाएगा, अपने को नहीं पता कितना है। मनोज इज सेइंग 2 थीटा, देखते हैं कितना है, देखो कैसे देखते हैं, कभी रैंडमली आंसर मत किया करो फिजिक्स में। चलो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द एंगल, एंगल की कैलकुलेट करते हैं अपन, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द एंगल, इन दो पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा ठीक है। ध्यान से देखना ये एंगल कितना गिवन है तुम्हें, व्हाट इज दिस एंगल गिवन टू यू, ये एंगल कितना गिवन है, थीटा 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 गिवन है, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्यों 90, बिकॉज ये टेंजेंशियली एंटर कर रहा है और ये क्या है रेडियस, तो रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये कितना है 90 डिग्री। इफ आई आस्क यू दिस इज थीटा, दिस इज दिस एंटायर इज 90, व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल 90 माइनस थीटा, ये पूरा कितना है, कम ऑन 90 है ना, ये मैंने वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ की है, ये 90 है, ये कितना बताया तुमने 90 माइनस थीटा, कितना हो गया थीटा, थीटा हो गया यार, मैंने समझे, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, 2 थीटा नहीं थीटा, ये मनोज है ना, ये थीटा, ये कितना, अरे देखो अब तो बहुत सिंपल हो गया यार, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो रेडियस कॉमन है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना, अब ये वाला जल्दी से बता दो कितना है, मैं नहीं बताता, तुम लोग बताओ, उठ जाओ पहले सोने प्लीज, 90 माइनस 180 थीटा, ये कितना हो गया पाई माइनस, अभी भी किसी ने सही नहीं बताया है, पाई माइनस क्या कर रहे हो भैया, मैं लिख के बताऊं क्या, वाई पाई माइनस टू थीटा, या समझ में आया, देखो मैं बता दूं, ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, सो पाई होगा किसका, थीटा प्लस थीटा, अच्छा मैं 180 जानबूझ के नहीं लग रहा हूँ, बिकॉज मैं पूरी हर चीज रेडियन में ही रखता हूँ, तो थीटा प्लस
थीटा प्लस जो अपने को निकालना था एक्स, तो कितना हो गया 2 थीटा प्लस एक्स, एक्स कितना आ गया 5 माइनस 2 थीटा। क्लियर है सबको कैसे आया? इज दैट क्लियर टू यू सर, मल कैसे आया? तो अब एक बात यस सुनो यस इधर ध्यान से, यूनिटरी मेथड तुम्हें आता है, जल्दी जल्दी बोलना, यू नो वेरी वेल तुम्हें आता है ये चीज, बेसिक बेसिक चीजें हैं, जल्दी जल्दी बताओ। तुम्हें पता है 2 पाई करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 पाई बाई एम, 2 पाई m/3b लग रहा है या नहीं? बोलो यस सर, यस सर, 1 रेडियन कितना लगेगा टाइम? कम ऑन, कितना लगेगा मीनू 1 रेडियन में? बाय क्यूबी, m/3b, m/3b लगेगा। अर्शी लेट है बच्चा, और अपने को इसने कितना परफॉर्म किया है? थोड़ा लेट हो गया, कितने घूमा है वो? 5 माइनस 2 थीटा में कितना लगेगा? 5 माइनस 2 थीटा m/3b, 5 माइनस 2 थीटा m/3b। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये जो मैंने अभी तुम्हें कराया ना, इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, एंड इट्स प्योरली जेईई एंड नीट स्पेसिफिक। गड़बड़ तो नहीं करोगे, भूलोगे तो नहीं? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे जाके चीजें नहीं करी हम लोग ने, सादी सिंपल सी मैकेनिक्स लगाई है, कोई भी टफ चीज नहीं। ऑल गुड विद एवरीवन? Yes, अब इसमें एक टाइप की चीज होता है, ये और कराते हैं, एक और चीज कराते हैं। एक काम करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, क्या करता हूँ पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, लेट्स टेक द पॉजिटिव चार्ज, क्या लेता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है ना। मैं इधर लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट हियर, ऐसा करके लिख देता हूँ स्टार करके, लेट्स टेक द पॉजिटिव चार्ज, लेट्स टेक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एंगल भी बहुत मैटर करेगा क्वेश्चन में, तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एंगल क्या है, ठीक है, उस हिसाब से चीजें हों। तो मैं मान लेता हूँ कि सेम ही एंगल पे, तो लेट्स से कि ये एंटर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सेम एंगल से एंटर करा दे इसको। लास्ट टाइम कितना लिया था अपन एंगल? कुछ डिफरेंस आने वाला है? हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगा ये बोल रहा है, तो क्लॉकवाइज पार्ट कैसा घूमेगा? सही बोल रहा है वैसे वो, अपवर्ड हो जाएगा सर, अपवर्ड हो जाएगा। देखो सबको बात समझ में, ध्यान समझना मोशन में क्या डिफरेंस आने वाला है। मान लो ये एंगल कितने से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से, थीटा एंगल से, ठीक है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोना हैपन हियर। मान लो अगर ये सर्कुलर मोशन रहा इसका, तो अभी बस क्या होने वाला है कि अब जो इसका मोशन होगा वो कुछ ऐसा रहेगा, एक मिनट, कुछ ऐसा रहेगा, देखना ध्यान से, ऐसा कुछ मोशन रहेगा, आई बात समझ में, कैसा मोशन रहेगा? देखो डिफरेंस क्या है, इस केस में क्या था, सर्किल जो सेंटर आ रहा था, जो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा था, उस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ था? आउटसाइड द मैग्नेटिक, बट इन दिस केस क्या हो गया है? अब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ऐसा क्यों है सब समझना, क्योंकि उसका वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, बट फोर्स किधर लग रहा था? बी क्रॉस बी फोर्स लग रहा था ऊपर, तो वो जब इधर आया तो वो उसको ऊपर घुमाना चाह रहा था, तो कुछ देर तक तो नीचे गया, बट फिर वो कहाँ गया घूम के, ऐसा निकला। Is that clear to you all? पहले किसने एंटर किया था? देखो दोनों चीजें कितनी डिफरेंट है, ऐसे करके ऐसे निकला था, अभी कैसा आ रहा है, ऐसा आके ऐसा जा रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो डायरेक्शन जरूर देखना क्वेश्चन में कि कैसा सर्कल बना रहा है, सेंटर अंदर आ रहा है, सेंटर बाहर आ रहा है, यही दो केसेस पॉसिबल, इधर वन ऑफ देम, या तो सेंटर अंदर या सेंटर बाहर। अब इसमें तुम्हें बस ये पता रखना है कि सेंटर इसका कहाँ आने वाला है सर्कल का, कहीं पे अंदर, बाकी क्वेश्चन सेम है। तुम्हें पता है ड्यू टू सिमेट्री हमेशा ये चीज रहने वाली है कि जिस एंगल से एंटर करेगा उसी एंगल से क्या भी होगा, बाहर भी निकलेगा। हाँ, तो ये अगर थीटा एंगल से अंदर आया था तो ये बाहर भी निकलेगा, तो किस एंगल से निकलेगा? थीटा एंगल से, ठीक है, सेम चीज करेंगे, लेट्स ट्राई टू डू द सेम थिंग, ठीक है। ये प्योर क्वेश्चन बेस्ड चीजें करा रहा हूँ मैं तुमको, इसको बहुत ध्यान से प्यार से आराम से समझना प्लीज, ठीक है।
ये डिस्टेंस तुम्हें पता है कितनी है? थीटा अच्छा मैं आर लिखा नहीं रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में आर नहीं गिवेन हो, तो आर तुम निकाल लोगे ना आर। फॉर्मूला पता ही है तुमको, पढ़ाया क्या होता है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? अब इसने कितना एंगल घूमा है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो क्या सेम एंगल घूमेगा? कैन आई राइट द एंगल विल रिमेन सेम? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, द फोर्स विल बी अपवर्ड, द फोर्स विल बी अपवर्ड। सोचो कितना एंगल घूमा है वो। यस सर नहीं, सोचा करो अपना। तुम्हें इतना आता है, पढ़ते जाओ, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी एनालिसिस को बस लिखता जा रहा हूँ। मैंने कुछ भी तुम्हें नई चीज नहीं बताई आज, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने वालों को, सब चीजें तुम्हें आती है। कितना एंगल घुमा है ये? इतना एंगल घुमा है ये? बोलो यस और नो, बोलो। यस सर। यस सर। कितना है कैलकुलेट करके बताओ कितना है? मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड, यहां पे लिख देता हूं, है ना, फोर टू पाई। टाइम पीरियड हमें पता है कितना, टू पाई एम वाई क्यूब बी। कितना घूमा है पता लगा लिया तुमने? कितना एंगल आया देखो, आई थिंक सेम ही आने वाला है। ये एंगल कितना है? थीटा। पाई माइनस टू थीटा। ये थीटा, ये भी कितना? थीटा। थीटा ये कितना आया? पाई माइनस टू थीटा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। टू पाई आएगा, क्या निकालते हैं? नहीं नहीं, टू पाई तो पाई से आएगा, पाई माइनस टू थीटा ही, बट घुमा वो कितना है मनोज जैसे बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये एंगल नहीं है। हाँ ये एंगल वो घूमा, सो व्हाट विल बी दिस एंगल? आई थिंक पाई प्लस टू थीटा। देखो निकाल लेते हैं कितना होगा, टू पाई माइनस पाई प्लस टू थीटा। कितना घुमा है? पाई प्लस। आई बात समझ में नहीं है, किस किस को ये चीज समझ में नहीं आई? ये एंगल कितना है? तो माइनस टू थीटा नहीं होगा बेटा, माइनस कैसे होगा जी? आप देखना इधर, पाई माइनस टू थीटा था ना, मैं टू पाई से माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा अंदर वाला? यस सर। कौन सा टू? देखो सोचो, सोच लो, समझ लो क्या करा रहा हूं मैं, बता रहा हूँ ये प्योरली क्वेश्चन है, कोई नहीं कराता, करा रहा हूँ तुम लोग को क्योंकि टाइम वेस्ट करा के। सर टू कहाँ से आया? निधि बेटा कौन सा टू बता ना, ये वाला टू, दिस टू और दिस टू, विच टू आर यू टॉकिंग अबाउट? टू पाई माइनस टू, टू पाई माइनस टू। बेटा टू पाई माइनस टू तो कहीं नहीं लिखा मैंने, आर नॉट रिटन टू पाई माइनस टू। देखो देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला तो टू टू थीटा, देखो समझ में आ गया कि ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये पूरा एंगल तुम्हें पता है कितना होता है, 360 यानी 2 पाई, तो 2 पाई में से अपन पाई माइनस 2 थीटा माइनस करेंगे, तो 2 पाई माइनस थीटा करते तो माइनस पाई हो गया, प्लस हो गया कि माइनस माइनस प्लस, और ये 2 थीटा, 2 पाई माइनस पाई पाई 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाई दिस एंगल इज पाई प्लस 2 थीटा? यस सर। नहीं यार तुम लोग इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो प्लीज, क्लियर है चीजें? तो अब वही सेम चीज, यूनिटरी मेथड तुम्हें अच्छे से आता है, एक रेडियन पे कितना टाइम लगेगा उसको, एम बाय क्यू बी, इधर पे कितना घूम रहा है, पाई प्लस टू थीटा पे कितना टाइम लगेगा उसको, एम बाय क्यू बी। कल इसके अपन थोड़े क्वेश्चंस भी करें, ठीक है? ठीक है, ये बस तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया मैंने, तुम्हें ये याद नहीं रखना है, मैं कहो तो हटा दूं इसको, याद मत करने लगना नोट से, मैं लिख लेता हूं इधर, नो नीड टू लर्न, नो नीड टू लर्न, ठीक है? याद ना, ये सब याद नहीं करने, क्या नहीं करना है इनको, ये सब तुम्हें किससे बताया मैंने, कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया था कि हाउ यू विल अप्रोच टू द प्रॉब्लम एंड हाउ विल यू सॉर्ट इट आउट, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? यस सर। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ रह रहा है क्या, एक केस, एक और कुछ बताना था यार तुम लोग को, व्हाट आई एम फॉरगेटिंग, ओके, क्यू प्लस बी, क्यू बी क्रॉस बी, ये हो गया। चलो एनीवे लेट्स,
टाइम स्पेंड वाला केस हेलिकल मैंने कराई दिया था लास्ट टाइम है ना सर। चलो एनीवे अब आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट टुडेस लेक्चर। वो क्या है उसको समझना ध्यान से। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर। बट करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और क्या है? कैप्ट है ना। कैसी मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली चीज तो तुम लोग सोचो फोर्स क्यों लगेगा। मैं तुमसे पूछूं व्हाई एनी फोर्स विल इंड्यूस ऑन दिस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो मैंने कंडक्टर बनाया, क्या बनाया इधर? ये लगा दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दी? दिख रही है सबको मैग्नेटिक फील्ड? बताओ इस पे करंट, पे करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, तो इसके पास क्या है? क्या है इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, दे आर ड्रिफ्टिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन क्या है बोलो? इस पर सब सोच के बताओ फोर्स क्यों लगेगा। व्हाई द फोर्स विल अकर? व्हाई? व्हाट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Because there are the electrons. Electrons are the charge carriers, and electrons are the charge itself. So if there is a charge moving in a uniform magnetic field, there should be a force. मुझे बताओ हर छोटू इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होने वाला है? Downward. क्या पीयूष? Downward बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है पीयूष, है ना? कैसे? राइट हैंड पाम रूल बताया तुमको लगाना, कैसे लगाओगे? अगेन ये हो गई तुम्हें पाम की डायरेक्शन, एंड यू विल कर्ल इट इनसाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थंब का डायरेक्शन क्या देगा तुम्हें? फोर्स। बट ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर ना आके तुम्हें किधर लेना है? डाउनवर्ड। तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगने वाला है? डाउनवर्ड। आई बात समझ में सबको? वेयर द फोर्स विल एक्ट? डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस। भूलना नहीं है चीज, ठीक है? अब देखो इधर मैं कुछ भूल गया हूँ पढ़ाना, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ऊपर? नोट्स बना के आ करूंगा अगली बार से, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो तुम्हें पता है व्हाट इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज? एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है? देखो क्यू वी क्रॉस बी फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड की बात करें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वैसे अभी इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, सो नो वरीज। लेट्स से मैग्नीट्यूड इज क्यू वी बी साइन थीटा के लिए एक काम कर लेते हैं यार, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, चलेगा? चलेगा? वैसे मैं तुमको देखो थीटा दिखा नहीं पाऊंगा एक्चुअली, तो इस केस में थीटा 90 है। मैं थीटा इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा तुम्हें, क्यों नहीं दिखा पाऊंगा थीटा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड मेरी इनवर्ड है, तो मैं इसको कैसे भी घुमाऊं ये हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। बट अगर ये ऐसे रखा होता, कैसे रखा होता? ऐसा रखा होता अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा समझना, कैसा ऐसा रखा होता है ना, तब ये कुछ एंगल बना रहे होते मैग्नेटिक फील्ड से। अभी नहीं बना रहे बिकॉज मैंने 90 डिग्री पे ही रखा हुआ है, तो मैं कैसे भी घुमाऊंगा तो थीटा नहीं होगा। तो अपने केस में थीटा कितना है? थीटा कितना अपने केस में? 90 डिग्री है ना। तो साइन थीटा को हटा देते हैं, क्यूवीबी देख के चलते हैं। क्यूवीबी फोर्स। अच्छा क्यू क्या होता है? व्हाट इज क्यू इन दिस केस? इफ देयर इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, कैन यू डिफाइन व्हाट दिस क्यू इज? बेंजामिन टोल्ड यू आई थिंक, उन्होंने बताया है तुम्हें व्हाट द क्यू इज। क्यू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं नेगेटिव वेटेड चार्ज नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तुम्हें आ गया है, पता चल गया डाउनवर्ड। Q इक्वल्स टू एनी होता है या नहीं होता बोलो? Yes. बोलो यार। Yes, sir. बिल्कुल होता है सर, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, तुम्हें सब आता है ये।
अब मान लो लेट अस से कि ये जो तुमने वायर लिया, इस वायर की कुछ लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल, और इसका कुछ तो एरिया मान लो कितना ए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कैन यू थिंक व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों ए और एल के टर्म को लाना चाह रहा हूँ इक्वेशन में, कोई सोच पा रहा है व्हाई एम आई ट्राइंग टू डू दिस, एन फाइंड सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, एक्चुअली मेरा मोटिव ये है कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी से क्या ले आऊं, करंट ले आऊं, मैं क्या ले आऊं, करंट, बिकॉज करंट गिवन है तो हमको करंट चाहिए, और वी पता है, ई पता है, मेरे को ए और डी चाहिए था, एन ए वी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, तो ई पता है, वी पता है, बट एन नहीं मिल रहा है, तो एन लेके आता है, मैं यहाँ पे कैपिटल एन लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो, तो कैपिटल एन था नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊं ए इंटू एल का और डिवाइड कराऊं, ए इंटू एल क्या होता है वॉल्यूम, या ए इंटू एल ही लिख रहा हूँ जिससे बी और वी में कंफ्यूज नहीं, तो क्या इक्वेशन पे कोई चेंज आएगा, विल माई इक्वेशन चेंज, नो एन अपॉन ए एल क्या होता है, तुम इसको देखो, ये टर्म क्या होता है एन अपॉन ए एल, व्हाट दिस इज एन अपॉन ए एल, ये टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है, है ना, करंट डेंसिटी, सॉरी चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन ई वी एल, एन ई वी ए ले आते हैं इधर और बी और एल को अलग लिखा रहे देते हैं, अब ये देखो ये एन ई ए वी तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये कहीं पढ़ा है तुमने क्या होता है एन ई वी ए, करंट हो जाएगा, करंट होता है, सबको क्लियर है चीज, सो व्हाट आई कैन राइट, एफ इज नथिंग बट व्हाट, आई बी एल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, सेम जो ऐसे ऊपर लिखा था, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस, और एल का डायरेक्शन तुम्हें पता है हमेशा किधर लेना है, करंट के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में कैसे फॉर्मूला आया, बोलो इज दैट क्लियर टू यू ऑल, यस सर, यस सर, ओके, नाउ गाइस कम ऑन, उठो पहले तो, उठ के बैठो सब, और अब मुझे बताओ सोच के कि क्या तुम्हारा, जैसा पीयूष ने पहले इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देख के बताया था कि फोर्स नीचे लग रहा है, उसने किसको देख के बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देख के बताया था कि फोर्स नीचे लग रहा है, क्या तुम इस तरीके से बता सकते हो मुझे कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा एल क्रॉस बी वाले लॉजिक से, विल इट बी सेम या कुछ उल्टा हो जाएगा थोड़ा, देखो बताओ 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 सर, साइन लिखा आपने बेटा, थ्री, अरे थ्री नहीं लिखा मेरे बच्चे, ब्रैकेट लगाया मैंने, वो कर ली, उल्टा हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा यार, पार्ट कह रहा है, तुम लोग बताओ, अर्शी यार क्या हो गया बेटा, क्यों कंफ्यूज हो तुम लोग आज, इफ्रा क्लियर है, सेम ही होगा अर्शी, बताओ सेम होगा, हाँ सेम रहेगा, बी प्राउड ऑन दैट, तुम्हें पता है, किस बताया ना राधिका, साक्षी, सलोनी, एल क्रॉस बी, एल सर ने बताया किस डायरेक्शन, देखो सब देखो, जिसको नहीं आता है ए क्रॉस बी लगाना है, इधर देख लो, इट विल रिमेन सेम, एल का डायरेक्शन किधर लोगे, देखो ये इधर फिंगर्स, हाँ इधर फिंगर्स करोगे और ये थंब आएगा तुम्हारा, एंड इफ यू विल कर्ल दिस फिंगर्स हियर, सो डायरेक्शन किधर आने वाला है फोर्स का, पार्ट विल रिमेन सेम, क्लियर है श्वेता, तानिया, क्लियर है जुबिया, बोलो क्लियर है तो आगे बढ़े थे, अब As an student, I told you so many times, तुम्हें कैसे ही पढ़ना है हमेशा L cross B, कौन सा फॉर्मूले से हमेशा सॉल्व करना है L cross B, तुमको कभी भी और कोई मत, कभी भी सीखने के लिए या क्वेश्चन में आंसर करने के लिए नेवर यूज एनी रूल, ना राइट हैंड, ना लेफ्ट हैंड, ना स्क्रू रूल, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, इनको सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ के जाना, ठीक है, अब मैं खाली बोर्ड्स के लिए तुम्हें पढ़ा देता हूँ, दैट हाउ वी यूजुअली कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्यों यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्यों यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सर, क्योंकि राइट हैंड से पॉजिटिव चार्ज का आता है, इसमें उल्टा, हा हा, ऐसी कोई कहानी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा, इंड्यूस करंट के लिए लॉजिक नहीं, नहीं इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड यूज करते हैं, याद रखना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं किसके लिए, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम एक बार, तुम कभी भी ये इस तरीके, सुनो मेरी बात सुनो, कभी भी ना मेरी बात सुनो सब ध्यान से, कभी भी लेफ्ट हैंड किस लिए यूज करते हैं, बस ये याद रख लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करते हैं उसके लिए, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम राइट और लेफ्ट में कैसे कंफ्यूज नहीं होगे, मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूँ, पहले एक चीज मेरी ध्यान से सुनना,
तुम्हें हमेशा पता है तुम्हें डायरेक्शन कैसे निकालना है इस लॉजिक से, ठीक है। जस्ट इन केस अगर कभी एग्जाम में आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि इंड्यूस करंट के लिए यूज करना है अपने को या फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर के लिए यूज करना है, तो तुम क्या करो, ये वाला याद रख के जाओ पेपर में और अपने हिसाब से क्या करना, एक ऐसा वायर बना लेना कोई कैसी भी डायरेक्शन, मान लो ये डायरेक्शन में वायर बना देना, बोलना इसमें करंट है अपने लिए, और कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बना देना, मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना दी, तो तुम्हें IL क्रॉस B से पता है तुम्हें इसमें फोर्स कहाँ लगने वाला है, तुम्हें पता है इसमें फोर्स कहाँ लगने वाला है, नहीं होगी कंफ्यूज, मैं बता रहा हूँ तुम IL क्रॉस B से पता लगेगा, IL क्रॉस B से तुम्हें पता है अपवर्ड लगेगा, क्लियर है बात, बोलो क्लियर है। अब कोई भी फ्लेमिंग रूल है, कोई भी फ्लेमिंग रूल है, मान लो कोई भी फ्लेमिंग रूल है, तुम्हें हर फ्लेमिंग रूल में याद रखना है थंब क्या बताता है, व्हाट दिस थंब टेल्स एफ, क्या बता रहा होता है थंब, एफ, इसको ऐसे याद रखो, बस ये याद रखना है तुम्हें, देखो ये याद रखना है तुम्हें बस, एफ बी आई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है ना वैसे याद रहता है ये, एफ बी आई, क्या याद रखो, कौन सा कलर दिखेगा यार, ब्लू दिखेगा क्या, ब्लू भी नहीं दिख रहा, कौन सा कलर दिखेगा ग्रे पे, व्हाइट दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा, ब्लैक से करता हूँ, ये क्या याद रखना है, एफ बी आई याद रखोगे, हाँ प्रिया ब्लैक दिख रहा है, एफ बी आई याद रखना, क्या याद रखना, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट, एफ बी आई, अब दोनों लगा के खुद देख लो, दोनों अभी अपनी फिंगर सब लोग यूज करो और मुझे बताओ कि किस राइट हैंड से फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आने वाला है, लेफ्ट हैंड से फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आने वाला है, लगाओ दोनों दोनों लगाओ, तो तुम्हें ऐसे समझ में रहेगा पेपर, तो तुम्हें याद है ना, तुम अगर लेफ्ट हैंड रखाओगे तो तुम्हें पता है बी का डायरेक्शन तुम अंदर डालोगे, आई का डायरेक्शन ये रखोगे, देखो थंब दे देगा तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन, इफ इन दिस केस तुम राइट हैंड लगाओगे तो तुम कैसे रखोगे, तुम्हें पता है ये हमेशा करंट ही बताएगा, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही बताएगा, ये हमेशा फोर्स ही बताएगा, तो तुम अब क्या करोगे, इफ यू विल ट्राई टू पुट दिस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा रख दिया और करंट ऐसा रखोगे ये रख दिया, तो थंब का डायरेक्शन क्या बता रहा है, नीचे, तो मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, बट तुम्हें तुम्हारे सेंस से पता है क्योंकि तुमने किससे पढ़ते आए हो, तुम इससे पढ़ते हो, तो तुम्हें पता है कुछ भी हो जाए आईडियल क्रॉस बी के वजह से फोर्स ऊपर ही आना है, तो यानी इस पे राइट हैंड तो लगना ही नहीं है, कौन सा लगना है, ऐसे तो इसीलिए मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, कभी और कोई रूल मत याद रखो, सिर्फ कौन सा याद रखो, आईएल क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट वाले, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तब भी मैंने क्या बोला था, क्या याद रखना, क्या रखना, आइडियल क्रॉस आर, याद है डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट से चलो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मैं बस इसको लिख देता हूँ फॉर योर थ्योरी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपन लेफ्ट हैंड रूल यूज क्यों करते हैं, टू कैलकुलेट और टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अच्छा ये आता बहुत है, बोर्ड में बहुत पूछते हैं, थ्योरी वाइज ही पूछते हैं, दो नंबर चार नंबर में देख देख के, सो व्हाट यू हैव टू राइट, इसकी थ्योरी क्या लिख के आओगे, इफ यू स्ट्रेच योर फिंगर्स, बोल लो मेरे साथ, तुमको याद हो जाएगा माइक म्यूट पे, इफ यू स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं से पूरी कहानी लिखवा रहा हूँ, पता है तुम लोग, ईच अदर देन क्या लिखेंगे कहानी है, बात है FBI, हमेशा याद रखो FBI, ठीक है, देन थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स, ठीक है, फोर फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या बताएगी, करंट, बोलो क्लियर है सबको यहां तक चीजें,
देखो प्लीज ये सब से कभी कंफ्यूज मत होना, तुम अगर कभी क्वेश्चन आया मतलब पर्टिकुलर नीट में न्यूमेरिकल आया या जेई में आया तो ये सब तुम यूज करोगे ना तो ऐसे उंगली उंगली खेलते रह जाओगे, बता रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक करते रह जाओगे पूरे पेपर में, ऐसे ऐसे करोगे, डोंट डू दैट। वी क्रॉस बी, एल क्रॉस बी याद रखो, ठीक है? हाँ जैसे पीयूष जैसे याद है वैसे याद रख ले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कैच भी कर। एक्चुअली मैं क्या, मैं बहुत कम एनालॉजीज याद कराता हूँ, तुमको पता होगा, मैंने हमेशा इसलिए मैं बताया तुम्हें जैसे याद रखना तुम वैसे रखो यार, कोई इश्यूज नहीं है, बट कंफ्यूज मत होना इसको लेके, डायरेक्शन तुम ऐसे निकाल लेना, पेपर में कंफ्यूजन है, तुरंत एक वायर बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, डीएल क्रॉस बी से देख लिया डायरेक्शन की तरह फोर्स का, फिर समझ लिया कि लेफ्ट हैंड वो बता रहा है राइट हैंड वो बता रहा है, देन अप्लाई कर। आई बात समझ में, कहानी इतनी। अच्छा मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज और जो बताने वाला था वो क्लियर है, वो क्लियर है, बोलो जल्दी, दैट थिंग इज क्लियर टू यू, बोलो, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? चलो नाउ लेट्स जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एक छोटा सा फैक्ट है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्या वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड या वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करती है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते जाते रहते हैं इस टाइप से, तो याद रखना वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है पता है, सोचो कितना होता है, इस किसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को याद है फॉर्मूला, नहीं याद है कितना होता है, जीरो, जीरो होता है, जीरो क्यों होता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज इज जीरो, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, पता है क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में कभी भी क्या नहीं हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, रीजन लिख देता हूं, क्या है रीजन, एज देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम तुमने पहले ही पढ़ा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का कभी भी कोई वर्क डन नहीं होता है, वो बस लग रहा होता है, यू नो दैट, सेम लाइक तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स का कभी कोई वर्क डन नहीं होता है, वो बस लग रहा होता है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, किसको नहीं समझ में आया ये चीज, बोलो, देखो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, इधर देखो, तुम्हें पता है फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, कोई भी चार्ज अपना जो सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लो, तो इस सर्कुलर मोशन के केस में मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, फोर्स अंदर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर, वो थोड़ा सा आगे सरक रहा है, हर फोर्स की डायरेक्शन के कैसे सरक रहा है, परपेंडिकुलर, और तुम्हें पता है वर्क डन कैसे लिखते हो, तुम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखते हो, F.ds लिखते हो, तो cos कैसे लिखोगे इसको, F.ds cos theta, theta की वैल्यू इधर कितनी हो रही है हमेशा, 90 हो रही है, नहीं हो रही है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से जिसमें तुम्हें कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें क्या लगाना है, फिजिक्स लगाना है, कभी भी तुरंत उठ के क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ मनोज, वर्क डन वेरी वेल, कंजर्वेटिव फोर्स है बिल्कुल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी, कंजर्वेटिव फोर्स है इसे, ठीक है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, बट मनोज एक बात सुन ले मेरी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, मेरी बात याद रखना मनोज, ये कहीं नहीं लिखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तब जीरो होता है जब जिस पॉइंट से पार्टिकल चालू हुआ है घूम के उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, क्या जीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लो तुम अगर इसमें भी बात करोगे, इसमें तुम्हारे सर क्या तुम्हारे चार्ज में पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या पूरा इसके इसमें डिस्प्लेसमेंट था ना चार्ज का, जब वो यहां से निकल के यहां पे गया है तो उसने नेट डिस्प्लेसमेंट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। यस
तो ये बात नहीं है कि कंजर्वेटिव है इसलिए जीरो है, वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है यहाँ पे, ये थीटा 90 है इसलिए जीरो है, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तब जीरो होता है जैसे मैं तुमको उछालू, तुम उछल के वापस मेरे गोदी में आके बैठ जाओ, सो दैट इज जीरो बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। कंडक्टर में भी जीरो होगा, नहीं कंडक्टर में वर्क डन की कोई बात ही नहीं आई, ठीक है, कंडक्टर में वर्क डन की बात नहीं आई, ठीक है, उसमें होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, इतना बता ही दिया है तो एक चीज और कर लेते हैं जो रह गई थी, मेरे को भी याद आ गई है, लॉरेंट्ज़ फोर्स। क्या चीज, यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है, दैट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स, थ्योरी है, कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन पता है मतलब बहुत नहीं बनते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं बट पेपर में कम आते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्सेस। अब लॉरेंट्ज़ फोर्सेस पता है क्या होते हैं, जो तुम अभी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ के आए थे ना, कौन सा, क्यू वी क्रॉस बी, वो भी एक टाइप का क्या ही है, लॉरेंट्ज़ फोर्स ही है। क्या है, लॉरेंट्ज़ फोर्स ही है। जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां वर्क डन भी जीरो होगा। इफ्रा नो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, तुमने पूछ लिया है तो मैं ये तुमको बता देता हूँ। जैसे इधर देखो, देखो जैसे ये है, ठीक है, या कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये है, चलो इसी को ले लेते हैं। देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझना, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, क्या रखा है, बॉक्स, ठीक है, या कुछ ऐसा करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, चलो बॉक्स के एग्जाम्पल लेके मैं तुमको कंजर्वेटिव फोर्स से बताता हूँ। जैसे बॉक्स है इधर, ठीक है, ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये मैंने तुम्हें बताया था जब मैं तुम्हें वो भी बता रहा था, तुम लोग को ये चीज पूछनी नहीं चाहिए थी, बट एनीवे तो पूछ रही, तुम बताता हूँ। ये मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को तुमने उठाया, क्या किया, यहां से यहां तक उठाया, यहाँ पे एयर ड्रैग है, क्या है, एयर ड्रैग काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, एयर ड्रैग पता है ना क्या होता है, पता है नहीं, पता है एयर ड्रैग क्या होता है, ड्रैग फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, हेयर द ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग, ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब तुम इसको, मान लो तुम इसको ऊपर से उठाया, उठा के तुमने वापस नीचे लाया, तुमने क्या किया है, सबको समझ में आया, हमने क्या क्या किया है, हमने यहाँ पे इस बॉक्स को ऊपर उठाया है, ऊपर उठा के वापस नीचे लाया है, हमने यहाँ पे ये बात करी है। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पूरे मोशन में, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस एंटायर मोशन, यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ आना, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ आना, उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या लिखूंगा, ग्रेविटी, वो कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। बट अगर यही मैं तुमसे पूछूं वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स, किसका फोर्स, वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स कितना होगा, सो वो होगा, क्यों होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि ग्रेविटी भले ही हमेशा नीचे वर्क कर रही थी, तो ग्रेविटी का वर्क डन जीरो है, वो कंजर्वेटिव फोर्स लगा रही है। बट ड्रैग फोर्स की अगर तुम बात करोगे, तो ड्रैग फोर्स जब तुम बॉक्स को ऊपर लेके जा रहे थे तब बॉक्स पे नीचे लग रहा था, जब तुम बॉक्स को नीचे लेके आ रहे हो तो बॉक्स पे किधर लग रहा होगा, ऊपर, क्या क्या इफ्रा, पर ऊपर कैसे लगेगा, नीचे नहीं लगेगा बेटा, ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होता है, हवा के पार्टिकल्स फ्रिक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको इधर से इधर लेके जाऊं या इसको इधर से इधर लेके आऊं, मैं इसको इधर से इधर लेके जा रहा हूं तो भी इसमें फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इधर से इधर लेके जा रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इसमें हमेशा लग रहा है, आई बात समझ में। तो ये चीज है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है तो भी इस पर ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा है, इसको नीचे नहीं आने दे रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और अगर इसको नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं तो भी इसको ड्रैग फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहते हैं इसको ऊपर उठाने दे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ फ्रिक्शन, यार फ्रिक्शन है, देखो मैं इसको इधर से इधर लेके जा रहा हूँ तो इसमें फ्रिक्शन मेरे ऐसे पीछे वर्क करेगा, बट मैं इसको ऐसे अभी आगे से पीछे लेके जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन आगे वर्क करेगा, फ्रिक्शन हमेशा वर्क करेगा। तो मैं अगर इसको इधर से इधर लाके वापस इधर ले आऊं तो भले मेरे द्वारा किया हुआ वर्क डन जीरो है, बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन सिंपल मनोज वैसे निकालते हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकालते उसको, डिस्टेंस निकालते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स तुम निकाल लोगे, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ उससे मल्टीप्लाई। चलो वो मैकेनिक्स की क्लास में बात, क्लियर है। अब लॉरेंट्ज़ फोर्स समझो, देखो लॉरेंट्ज़ ने क्या बोला, लॉरेंट्ज़ ने क्या बोला, लॉरेंट्ज़ ने बोला द नेट फोर्स, क्या बोला उन्होंने, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड,
क्या बोला उनने? द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. आई बात समझ में? उनने बोला कि ये एक फोर्स है जो कि किसी चार्ज पे अगर एक्ट कर रहा है, किसी चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसको हम बोलेंगे लॉरेंट्स फोर्स. ठीक है, सिंपल सी इसकी अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोई भी जनरल इक्वेशन, कुछ भी जनरल इक्वेशन ले लो यार. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ भी ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उठा लाते हैं यहाँ से, ये मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं इधर पे, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. इससे क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा नहीं आते क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब इसमें इतने केसेस पॉसिबल है ना. सिंपल सिंपल वाले तो आते हैं, कोई एक दो आएंगे तो मैं करा दूंगा. जैसे मान लो कोई एक चार्ज है, क्या है इधर, कोई एक चार्ज है, ये चार्ज क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, तो इसमें मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, इसमें क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सोच के बताओ जल्दी से, बोलो लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर. किधर लगेगा? यस सर, अपवर्ड लगेगा. मान लो इसी में यहाँ पे एक मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या भी है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी. सो इस पर दो फोर्सेज एक्ट करेंगे, मतलब इस पर दो फोर्सेज एक्ट करेंगे ऑल इन. सो इसको हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कभी स्केलर फॉर्म में मत लिखना लॉरेंट फोर्स. एफ वेक्टर हमेशा क्या होने वाला है तुम्हारा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, हमेशा वेक्टर में लिखना, मैंने बोला इसको कभी स्केलर में मत लिखना, मैं भी बताता हूँ क्यों. तो लॉरेंट फोर्स क्या होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर. आई बात समझ में? यस सर. अच्छा, व्हाई आई एम सेइंग सो कि ये हमेशा वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखना, उसका रीजन है, पता है क्यों. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं जो चीजें डिसाइड करने वाले हैं. वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मेरी बात समझना. तीन फैक्टर्स हैं, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई. लास्ट चीज क्या है, चार्ज वेलोसिटी. हाँ, चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी बी. तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास तीन केसेस है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें बड़ी मजा आएगी थी सुनने में, बस समझ लेना. क्वेश्चंस इसके आएंगे तो मैं कराऊंगा, भी क्वेश्चंस के बिल्कुल परेशान मत होना. अब इसमें पॉसिबल केसेस क्या क्या है, मेरी बात समझना. हो सकता है तीनों एक डायरेक्शन में हो सकता है तीनों परपेंडिकुलर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर हो सकता है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हो. सो तुम अगर ध्यान से समझ पा रहे हो, सो 3D स्पेस में, अगर मैं तुमसे बात करूं 3D स्पेस की, किसकी बात करूं, 3D स्पेस में, 3D स्पेस की अगर मैं तुमसे बात करूं, 3D स्पेस की बात करूं, सो तीन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पॉसिबल है, तीन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल है, तीन डायरेक्शन किसके पॉसिबल है, चार्ज वेलोसिटी. तो देयर आर हाउ मेनी केसेस, अराउंड 27 केसेस. ठीक है, अच्छा मैंने तो ये अभी तीन केसेस लिए, बट ये तीन से भी ज्यादा होंगे, ये 27 के भी डबल होंगे. क्यों? क्योंकि तीन केसेस तो मैंने जनरली लिए, बट एक्चुअली 6 होंगे, बिकॉज ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में हो, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में हो, बट दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो कोई, वाई एक्सिस की तरफ हो कोई, जेड. सो देयर आर मल्टीपल केसेस, तो हम उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कभी एनालाइज नहीं कर पाते हैं इसको, बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस पॉसिबल इन दिस. ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो इसके आएंगे मैं कराऊंगा, परेशान होने की बात नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं. तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन में तुम्हें पता है कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, फोर्स सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, फोर्स कौन सा लॉ फॉलो करता है, कौन सा प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. पता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, पता है तुम्हें, पता है नहीं पता है, कि जैसे मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, स्तुति भी तुम्हें धक्का दे रही है, तो तुम वहां जाओगे जहां पे दोनों का रिजल्टेंट जाने को बोलेगा. तो सेम चीज करनी है, तुम चार्ज पे पहले इसकी वजह से वी क्रॉस बी की वजह से फोर्स निकालना, चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालना, याद रखना दोनों वेक्टर फॉर्म में निकालना,
वेक्टर फॉर्म में निकाल के वेक्टोरियली ऐड कर देना काम, जो भी जैसा भी आए, कुछ भी केस आ सकते हैं, देयर कैन बी एनी केस पॉसिबल। मनोज प्रोबेबिलिटी निकाल, प्रोबेबिलिटी लगाई है मैंने, 3 × 3 × 2 प्रोबेबिलिटी लगाई है, बट वही है ना, क्या मतलब अपने को निकालने का जब वैसे आने नहीं है, क्योंकि बहुत केसेस पॉसिबल है, सो दे विल नेवर गोना गिव यू अ वेरी टफ थिंग। ठीक है, ये बात हुई लॉरेंस फोर्स की। अरे यार और कुछ भी तो पढ़ना था, अब क्या पढ़ना था ये बता दिया है। एक क्वेश्चन करके जाओगे क्या यार, ऐसे मत जाओ, करोगे एक क्वेश्चन, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, जाओगे तो नहीं बोलो। यस सर। चलो एक कॉन्सेप्ट चेक कर लो, तुम्हें बोर होके पढ़ा है तुमने आज, अभी मजा आ जाएगा, ये तुम्हें खुशी मिलेगी इसको करके जाओगे तो। कॉन्सेप्ट चेक क्या लिखते हैं अपन, कॉन्सेप्ट चेक, तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कराता हूँ, ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन वाला चीज देता हूँ, देखें कर पाते हो। लेटेस्ट से गाइस, लेटेस्ट से कि अपने पास यहाँ पे क्या है, वायर है, क्या है, क्या है, वायर है, बट इस वायर में मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर दूं, करना मजा आएगी, तुम करना, ट्राई करना, तुम्हें बहुत मजा आने वाली है। मैं इस वायर को क्या कर दूं, सेमी सर्कुलर लूप दे दूं तुम्हें, जैसे तो मैं जनरल भी दे सकता था, पर इट बी टाइम कम है, तो सिंपल के लिए मान लो इसमें करंट का डायरेक्शन दे दिया तुम्हें, ये रहा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तुम्हें मुझे क्या बताना है, सब समझ गए होंगे क्या बताना है, कैलकुलेट द नेट फोर्स, कैलकुलेट करो जल्दी से, मुझे बहुत मस्ती उतारनी तुम्हें, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा चलो मैं साथ में कराता हूँ, मैं साथ में कराता हूँ, आई ट्राई टू डू इट विद यू, बट फर्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हिच कॉन्सेप्ट यू विल गोना यूज, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या लॉजिक रहेगा। राधिका सोच पा रहे हो कुछ, रिया, साक्षी, वेरी वेल, नो डाउट, हमें क्या यूज करना है, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, बट यहाँ पे लोचा क्या है, एक लोचा है, कोई बता सकता है क्या लोचा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या बताओगे मुझे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्या बताओगे, इधर है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है फोर्स का डायरेक्शन, कैसे बताओगे, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि करंट इधर भी है, करंट तो इधर भी, अरे इनटू द प्लेन तो हो ही नहीं सकता, इनटू द प्लेन तो हो ही नहीं सकता, चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ पीयूष ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बट हाउ, हाउ यू नो दैट, चलो होगा मान लिया, चलो ऊपर नीचे वाला मैंने बोल दिया कैंसिल हो रहा है, राइट साइड पे होगा, निकालो कितना होगा नेट, कितना होगा, देखो कैसे करते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मुला डायरेक्टली, हम ये फॉर्मुला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कोई बताएगा व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मुला डायरेक्टली, क्यों नहीं लगा सकते इसको डायरेक्टली, चार्ज नहीं पता, अबे निधि बेटा चार्ज नहीं चाहिए इस पे कहीं अपने को, क्या नहीं पता है सर, एल क्रॉस बी करने पे अलग अलग आ रहे हैं, तो पता क्या नहीं है मेरे को, अर्शी स्पेसिफिकली बता, कोई नहीं निधि सोचो स्पेसिफिकली बताओ, तुम्हें एल क्रॉस बी जब तुम लगाओगे, तुमको एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा लिखोगे, तो तुम्हें क्या नहीं पता है, एक मिनट, थीटा तो पता है, थीटा तो पता है, थीटा तो पता है, ठीक है, तुम्हें क्या नहीं पता, देखो मैं बताऊं सुन, एक्चुअली मैं तुम्हें क्या नहीं पता, मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्टली बताता हूँ, हर एलिमेंट पे तुम इसमें अगर हर एलिमेंट लोगे छोटे छोटे, देखो अगर इसमें तुम ऐसा छोटे छोटे ढेर सारे एलिमेंट लोगे, तो हर एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होने वाला है, अलग, किधर होने वाला है, अलग, सो फोर्स का डायरेक्शन एक नहीं है, हर एलिमेंट पे फोर्स अलग है, सो यू कैन नॉट डू दैट, फोर्स का डायरेक्शन वेरिएबल है, सो यू कैन नॉट डू दिस, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समझना सब ध्यान से, देखो मान लो ये रेडियस तुम्हें गिवन है, ऑब्वियसली नो डाउट क्वेश्चन में तुम्हें ये देख के जाना, इसमें बहुत एक अच्छी चीज पता चलती है,
ये मैं बस एक बार करा रहा हूँ, हर बार करना ही पड़ता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक अभी पता चल जाएगी तुम्हें। तो ये एक एलिमेंट लिया अपन ने डीएल लेंथ का, कितनी लेंथ का, डीएल या डीआर लिख देते हैं, डीआर लेंथ का एलिमेंट लिया है। रेडियस तुम्हें गिवन है कितना, रेडियस तुम्हें कितना गिवन है, आर, ठीक है। और ये तुमने थीटा एंगल पे जाके एक एंगल ले लिया छोटा सा डी थीटा, डी थीटा लिया है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे जाके, ठीक है। अब इस डीआर पे बताओ फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, बोलो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यस सर। देखते हैं मनोज सही है शायद तेरा, मुझे पता नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो फोर्स का मुझे वैल्यू बताओ कैसे लिखेंगे अपन, व्हाट वी शुड राइट इन प्लेस ऑफ फोर्स, डीएफ कितना लिखेंगे अपन, आई डी आर क्रॉस बी, यही लिखेंगे, बोलो वील राइट दिस, बोलो वील राइट दिस, अच्छा बट वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट। अगर मैं जैसे इसको लिख भी दूं आई डी आर साइन थीटा, तो इधर पे 90 है बिकॉज करंट का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट का डायरेक्शन इस प्लेन में है, सो साइन थीटा 90 है। इफ आई राइट आई बी, बट अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते इंटीग्रेट डायरेक्टली, इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डीएफ के सारे डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। सो अपन कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जब भी डायरेक्शन अलग होते हैं, तुम्हें बताया ना मैंने, अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग इंटीग्रेट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट अलग करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस फोर्स का, देखो ये एंगल तुमने थीटा माना है, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा, थीटा। हॉरिजॉन्टल अपन पहले कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल अगर तुम करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा लोगे, साइन थीटा लोगे, साइन थीटा लेंगे, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट नाउ। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आई कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, बट क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्यों नहीं कर पा रहे अब इसको इंटीग्रेट अपन, वाई वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट नाउ, इधर तो लिमिट जीरो से है, इसको क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते, बिकॉज साइन थीटा भी वेरिएबल है और डी आर भी वेरिएबल है या नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, यू वांट कि थीटा और डी आर में से कोई एक वेरिएबल रहे, तो क्या मैं डी आर को डी थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, तुम्हें बताया था मैंने जब प्रूव करा था, इस वाले को देखो, ये सेक्टर एक, सेक्टर में तुम्हें पता है क्या होता है, थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, तो आर क्या हो जाएगी, आर को क्या लिखूंगा मैं, थीटा इंटू रेडियस, आर को क्या लिखूंगा मैं, थीटा इंटू रेडियस, आई बात समझ में, नाउ वी कैन इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेशन करो, देखो क्या आने वाला है, इंटीग्रेटेड टेल मी व्हाट यू विल बी गेटिंग, करो इंटीग्रेट जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आई बी आर बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, पता नहीं पता लिमिट कहां से कहां तक जाएगी थीटा की, मिनिमम थीटा कितना हो सकता है और मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, मिनिमम थीटा जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180, 180, वेरी वेल दुबिया, तो जीरो से 2π, देखो ध्यान से, आई बी आर माइनस का कॉस 2π, कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1, कितना आ रहा है फोर्स, कितना आ रहा है फोर्स, यस सर, हाई बी टू आर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, वो ट्रिक जल्दी से समझ लो, वो ट्रिक क्या है, याद रखो आई बी इंटू टू आर, पहले तो फोर्स याद रखना, अब मेरी बातें सब ध्यान सुनना, उसके बाद यू गाइस कैन ली, वो चीज ये है, जैसा एक तो पहली चीज पीयूष ने बोली कि अपन ने खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्यों ऐड किया, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल मिरर करके एक और वो लेता डीएल एलिमेंट, तो इस डीएल एलिमेंट के भी दो कॉम्पोनेंट आते, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल एक ऐसा वर्टिकल आते, तो ये वर्टिकल और ये वाला वर्टिकल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आंसर ना वर्टिकल कंपोनेंट, बट अगर तुम वर्टिकल कंपोनेंट लेके करोगे तो भी आंसर तुम्हारा जीरो ही आएगा, कैसे जीरो आएगा, करके भी देख सकते हो तुम, वर्टिकल कंपोनेंट के यहाँ सीटा साइन थीटा की जगह क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा की जब तुम वैल्यू जीरो से जीरो, जीरो से 180 डालोगे तो कितना दे देगा वो, जीरो, तो जीरो इंटू जीरो सब क्या दे देंगे, जीरो, सो यू विल बी गेटिंग जीरो, दिस इज द नेट फोर्स। अब बस इसमें ट्रिक ये है,
इसमें ट्रिक ये है, तुम्हें क्या लेनी होती है, ये लिख दे रहा हूं मैं नोट करके, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ, किस पे, कोई भी तुम्हारे पास आ जाए, कोई भी कर्व आ जाए, क्या आ जाए, ऑन अ कर्व वायर, फाइंड द फोर्स ऑन द, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, समझना इस चीज को, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, वैसे सबको पता होती है, कोई नई चीज नहीं है, ऑन इमेजिनरी वायर कनेक्टिंग एंड पॉइंट्स ऑफ गिवन कर्व, गिवन कर्व, मैंने क्या लिखी है ये कहानी, मैंने ये लिखी, कभी भी तुम्हें कोई भी कर्व आ जाए, कैसा भी ओपन कर्व आए, ओपन कर्व, तो उसमें याद रखना, यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसमें तुमको क्या करना होता है मेरे बच्चों, वाइल डूइंग कैलकुलेटिंग द फोर्स, हमेशा इंटीग्रेट नहीं करना है, क्या करना है, एंड पॉइंट्स को जोड़ देना है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो ध्यान से तुम्हें क्या करना है, जैसे यही क्वेश्चन था, तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं फालतू चीज हटाता हूँ, तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से पीयूष, मस्त चीज पता चलेगी, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से, सर आपका एफ एल बी टू आर में टू आर कैसे आया, मैं बता रहा बेटा, टू आर ऐसे आया ना, -1 -1, ये वाला कॉस टू पाई की वैल्यू -1, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू -1, -2, सो -2 -2 -+2, ठीक है, देखो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, इसके अर्शी दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ देना, क्या करना, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ देना और जिस डायरेक्शन में उसमें करंट हो, हाँ एल इफेक्टिव निकालना है, मानो वेरी वेरी, उस डायरेक्शन में करंट मान लेना, अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, कुछ मत देखो, इसको देखो, इसकी लेंथ कितनी होगी इधर से इधर, ये जो इमेजिनरी वायर है इसकी लेंथ कितनी होगी, 2R होगी या नहीं होगी, इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आईडीएल क्रॉस आर, इधर पे ही होगा, यस सर, इधर पे होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी यही आ रहा है, और इस पे तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालोगे तो देखो कैसे आने वाला है, तुम्हें पता है सीधा सीधा क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल कितना है, 2R निकाल दो, आई बात समझ में, अच्छा एक लास्ट नोट और फिर चले जाना, वो लास्ट नोट बस ये कह रहा है कि मान लो, लेट अस अज्यूम कि तुम्हारे पास क्या होता, पूरा सर्किल होता, क्या होता पूरा सर्कल, तब क्या करते देख लो इधर, तब तुम क्या करते, यही इक्वेशन आती, बस इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे होते, सोचो जल्दी, इस यही इक्वेशन आती सेम, इसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे होते, 360 तक इंटीग्रेट कर रहे होते, तो यानी इंटीग्रेशन कहां से कहां जाता, आई बी आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जाता 0 से पाई तक, ओहो पाई तक लास्ट टाइम जाना था, तुम लोग क्या करते हो यार, मैंने 2 पाई लिख दिया था तभी निधि बोल रही थी, हियर इट शुड बी पाई, बस इधर पे कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे अपन, 0 से 2 पाई है ना, तो अभी 0 से 2 पाई कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस आई बी आर कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की -1, तो कितना आ जाएगा 0, याद रखना क्या लिखते हैं अपन, द नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप केप्ट इन अ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं इधर देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी इसका नॉन यूनिफॉर्म वर्जन देखेंगे अपन एक क्लास में, आज नहीं देख पाए, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इस जीरो, ठीक है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन है पूरी क्लास से रिलेटेड तो तुम पूछ लो, मेरा यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, सोचा था थोड़ा और पढ़ा दूंगा बट तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, मैं भी दूसरी क्लास ले नहीं पाऊंगा, मैम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलेंगे बाय करेंगे, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग फील फ्री, bye Zubia, bye, I hope you all like the session then.
पूछ ले, कुछ पूछना तो अदरवाइज जाओ। देख लो एक बार पूरी चीजें, कुछ पूछना है। बाय बाय राधिका एवरीवन, बाय।